बिल्कुल सही है कि गलत दिशा पे बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि सही दिशा में अकेले चले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिनों से कोई भी कुछ भी न्यूज़पेपर कटिंग आपके सामने रख दे रहा है और जो एसएससी जीडी से रिलेटेड उसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड एक डेट आपके सामने सर्व कर दिया जा रहा है, लेकिन एक टाइम बाद होता क्या है कि वो डेट भी आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। तो आपको हमेशा जो ऑथेंटिक न्यूज है उसी पे आपको भरोसा रखना है और बिल्कुल नेगेटिव नहीं होनी, आपको आपका जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। क्योंकि एक बात आपको पता होना चाहिए और याद भी रखना चाहिए कि रात को जगने वाले सभी आशिक नहीं होते, कुछ अपने सपने पूरे करने के लिए भी जग रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको अपना जो प्रिपरेशन है, जो पढ़ाई है, उसको क्या करना है, कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका वैकेंसी कोई और आपसे छीन ले जाए। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको जो एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है उससे रिलेटेड, उसके वैकेंसी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको एकदम ऑथेंटिक न्यूज एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताऊंगा, आपको बताऊंगा एकदम ऑथेंटिक जो है कि फॉर्म स्टार्टिंग डेट आपका क्या होने वाला है, नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आखिर कितनी होने वाली, आपको एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी भी या नहीं, और जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव मार्किंग है वो होगा नहीं। और साथ ही साथ एक चीज मैं और आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि जो आपका कट ऑफ है, ठीक है, वो कट ऑफ है वो आखिर इस साल किस तरह का रहने वाला है, ठीक है। तो आप अंत तक वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए और हर एक बात को समझने का कोशिश कीजिए। देखिए अगर हम बात करें जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट का, ठीक है, तो आपका लगभग देखिए जिस तरह का पूरा इंडिया में जिस तरह का कोविड का महामारी फैला हुआ है, जो कि अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, तो ये मतलब एकदम सियोरिटी हो जाता है कि अब आपको ज्यादा वेट नहीं करनी, ठीक है, आपने काफी ज्यादा वेट कर लिया है, ठीक है। अब कुछ ही टाइम के बाद आपका क्या हो जाएगा, जो स्टार्टिंग डेट है वो आपको मिल जाएगी। एग्जैक्ट डेट क्या होगा, तो देखिए एग्जैक्ट डेट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जो न्यूज सामने आई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बस आप 10 दिन करीब करीब वेट कीजिए, आपका जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट है, जो नोटिफिकेशन आपको आपके सामने हो जाएगी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी फिर क्या होगी आखिर, तो देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी का क्या है, आपको तो सिर्फ एक ही वैकेंसी चाहिए, आपको तो सिर्फ एक ही वैकेंसी चाहिए। फिर भी अगर वैकेंसी का बात करें तो ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपका पक्का है कि जो 50,000 है उससे प्लस ही आपको वैकेंसी आपको मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं एज रिलैक्सेशन पे, तो देखिए एज रिलैक्सेशन के बारे में ज्यादा प्रिडिक्शन किया नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए फिर भी इतना बताया जा सकता है कि रिलैक्सेशन का चांसेस काफी ज्यादा है कि आपको जो एज रिलैक्सेशन है 1 से 2 साल आपको मिलेगी ही, ठीक है। जिस तरह से ये काफी ज्यादा पोस्टपोन्ड हुई है, जिससे काफी ज्यादा स्टूडेंट जो है क्या हो जा रहे हैं, अपने एज की वजह से काफी पीछे हो जा रहे हैं। अब बात करते हैं जो नेगेटिव मार्किंग का, ठीक है, तो देखिए पहले जैसा था, ठीक है, एसएससी जिस लेवल से कंडक्ट करवाता एग्जाम बिल्कुल उसी लेवल से कंडक्ट करवाएगा, आपका कुछ नया इसमें ऐड होने वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे कट ऑफ का, ठीक है, जो आपका कट ऑफ है वो क्या होगा, तो कट ऑफ का तो बस एक ही फंडा लगभग सभी को पता है कि इस बार जो है हाई होने वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो एसएससी जीडी का जो वैकेंसी है काफी ज्यादा ह्यूज वैकेंसी होती है और काफी ज्यादा जो स्टूडेंट होते हैं इसके लिए जो प्रिपरेशन है वो ले रहे होते हैं, और जिसके वजह से इस साल जो है आपका कट ऑफ भी जो पिछला साल है पहले साल के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा जो है आप मान के चलेना कि आपका प्लस 5 जो है, ठीक है, प्लस 5 या 7 आपका ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा, इसी को लेकर आपको तैयारी करनी, तभी जाके एक वैकेंसी आपके नाम हो पाएगी, ठीक है। तो आई होप सभी न्यूज जो भी आपको बतानी थी, ठीक है, और जो भी आपके अंदर क्यूरी थी ये एसएससी जीडी को लेके काफी ज्यादा क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं इसकी तैयारी पे, देखिए जैसे मैंने आपको बताया तैयारी आपको कंटिन्यू रखनी है, ठीक है, तैयारी आपको बिल्कुल कंटिन्यू रखनी है। तो आप तैयारी करेंगे कैसे, तो देखिए इसके लिए जो भी आपका मैथ्स है आपको एक चीज पता होना चाहिए यहाँ पे कि अगर आप जो एसएससी में अगर आप बेसिकली आपका जीडी का ही बात करता हूँ यहाँ पे, अगर आपको नौकरी लेनी है तो आपको करनी क्या पड़ेगी, कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आपको मार्क्स जो है बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और आप कर भी सकते हैं, जिसमें आपका मैथ्स आता है, ठीक है, रीजनिंग आता है। तो देखिए अगर मैथ्स का बात करें तो एक एक जो मैथ्स का जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को मैंने ट्रिक के साथ यहाँ पे कंप्लीट कराया है, और साथ साथ मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ पे मैंने बताया कि आपको बेसिकली बुक को पढ़नी कैसी है और कौन सी बुक को आपको परचेज करके पढ़नी ताकि एक वैकेंसी आपके नाम हो पाए। बस अब क्या करना है आपको, आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आपका जो भी मैथ्स का ट्रिक वगैरह आपको मिलती रहेगी और जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है, वो आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ ट्रिक के साथ आपको मिलेगी, जिससे आपकी तैयारी जो है काफी अच्छी हो जाएगी और एक वैकेंसी आपके नाम हो पाएगी इस साल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।